गुलबर्गा जवारे हिंद उर्दू मीडियम स्कूल में 26 जनवरी यौमे जमहूरिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर इस स्कूल के स्टूडेंट्स को बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे संविधान के बारे में समझाया गया है। इस मौके पर चीफ गेस्ट बी नूर इलियास सीनियर हाईकोर्ट एडवोकेट और एरिया कॉर्पोरेटर गौस मत्तेमुर मौजूद थे। इन मेहमान की मौजूदगी में कई स्टूडेंट्स ने कल्चरल प्रोग्राम किए और स्कूल मैनेजमेंट के जरिए यौमे जमहूरिया की अहमियत बताई गई है। चीफ गेस्ट बी नूर इलियास सीनियर हाईकोर्ट एडवोकेट ने कहा, जवारे हिंद स्कूल गुलबर्गा शहर का एक कदीम उर्दू मीडियम स्कूल है। इस स्कूल के फाउंडर जनाब मरहूम अलहाज मोहम्मद अफजल हुसैन अमेटी हैं, जिन्होंने 1973 में इस स्कूल का संगे बुनियाद रखा था। आज जवारे हिंद उर्दू मीडियम स्कूल के कुल 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मरहूम मोहम्मद अफजल हुसैन अमेटी के इंतकाल के बाद मरहूम यूनुस हुसैन अमेटी कई सालों तक जवारे हिंद स्कूल की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। यूनुस हुसैन अमेटी के इंतकाल के बाद इस स्कूल की पूरी जिम्मेदारी मोहम्मद साजिद हुसैन अमेटी के खांदों पर आ गई है। मोहम्मद साजिद हुसैन अमेटी स्कूल के 50 साल मुकम्मल होने पर आगे स्कूल डेवलपमेंट करने के लिए कुछ नई तब्दीलियां लाने का प्लान किए हैं। इस मौके पर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और मरकजी सीरत कमेटी की जानिब से ऑर्गेनाइज किए गए सीरतुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर जीत हासिल करने वाले जवारे हिंद स्कूल के स्टूडेंट्स को इनाम और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यौमे जमहूरिया रिपब्लिक डे प्रोग्राम में मौजूद चीफ गेस्ट बी नूर इलियास सीनियर हाईकोर्ट एडवोकेट ने कहा, 26 जनवरी यौमे जमहूरिया सेलिब्रेट किया गया है और इस मौके पर स्कूल स्टूडेंट्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन वगैरह की तालीम भी देनी चाहिए। कितना दिलकश हसी है हमारा चमन, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन, तुझे पे कुर्बान है अपनी जान तन। जलजलों की ना दस्तरस हो कभी, जलजलों की ना दस्तरस हो कभी, ए वतन तेरी इस्तेखामत तक हम पे गुजरे खयामत है, लेकिन तू सलामत रहे खयामत तक, तू सलामत रहे खयामत तक। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद भारत का कोई अपना कानून नहीं था। इसी कमी को पूरा करने के लिए और दस्तूर को मुकम्मल करने के लिए एक दस्तूर एहसास कमेटी तश्कील दी गई। हमारे मुल्क का कानून 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी में पूरे मुल्क में नाफिज किया गया। इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल एंड ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1950। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आज 26 जनवरी यौमे जमहूरिया के फंक्शन पे मुझे दावत दी गई जनाब मोहम्मद हुसैन साजिद साहब से, और मैं इस स्कूल में आया और स्कूल में आके इस फंक्शन में शरीक हुआ। और मुझे यहाँ पर जो एजुकेशन का माहौल है ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है इस एजुकेशन में। और आज मैं मरहूम अलहज मोहम्मद अफजल साहब को याद करता हूँ, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस स्कूल में, और उसी विरासत को जनाब मोहम्मद साजिद हुसैन साहब लेके चले हैं। हमें बहुत खुशी है और मैं उम्मीद करता हूँ इनसे कि और भी इसी तरह से इस स्कूल में डेवलपमेंट आए, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बने और अरबी मदरसा भी बने और दीनी तालीम भी मिले। जहाँ तक आज के स्कूल का सवाल है, यहाँ पर डेवलपमेंट का सवाल है, यहाँ पर फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इस फाइनेंस की ज़रूरत की वजह से हम आगे बहुत ही डेवलपमेंट कर सकते हैं जनाब मोहम्मद हुसैन साजिद साहब। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये 26 जनवरी एक डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, एक डेमोक्रेटिक देश के लिए जो दस्तावेज़ कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन से आज हमें पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करना है और हमें इसका अमल करना है, और हम राइट टू एजुकेशन के तरफ ज़्यादा ध्यान देनी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देनी है, और हमारे बच्चों को ये बताना है कि इस देश में अगर हम जीना है, इस देश में हम रहना है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहिए, और जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए हर चीज़ का मुकाबला किया जा सकता है। ना मनी पावर्स की ज़रूरत है, ना मसल पावर की ज़रूरत है, हमें सिर्फ ज़रूरत है तो एजुकेशन है। इस एजुकेशन से हर चीज़ पे जीत हम हासिल कर सकते हैं।